नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और यही कामना करती हूँ कि आप सभी सदैवी हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। दर्शकों, यदि आपने सपने में करेला देखा है तो हम इस वीडियो में आपको इस सपने का अर्थ साथ ही साथ आपको एक उपाय बताने वाले हैं, जो कि अगर आपने यह सपना देखा है तो आपको अवश्य ही करना चाहिए। तो वीडियो के एंड तक अवश्य ही बने रहें दर्शकों। दोस्तों, स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर बात की जाए तो सपने में करेला देखना एक शुभ संकेत देने वाला सपना नहीं माना जाता है। जो भी व्यक्ति सपने में करेला देखता है वह इस बात की ओर संकेत करता है कि यह सपना आपके लिए अशुभ है और आप ऐसी किसी चीज़ों से परेशान हो सकते हैं जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यह आपकी ज़िंदगी में किसी मुसीबत या किसी परेशानी के आने का संकेत होता है। सपने में यदि आपने खुद को करेला खाते हुए देखा है तो यह भी आपके लिए किसी भी तरह से एक अच्छा सपना नहीं होता है। यह भी किसी मुसीबत या किसी परेशानी के आने का संकेत ही करता है। यह भी संकेत करता है कि आप किसी परेशानी से निकलना तो चाहते हैं किंतु आप निकल नहीं पा रहे। आपको भी सपने में करेले को खाने का सपना दिखाई देता है तो आपको अशुभ बातों की ओर संकेत करता है। वैसे में आपको यह सपना देखने पर सावधान हो जाना चाहिए। दर्शकों, यदि आप सपने में करेला खरीदते हुए देखते भी हैं तो यह भी एक अशुभ सपना है। अगर आपको भी सपने में करेला को खरीदने का सपना दिखाई दिया है तो यह सपना किसी परेशानी के आने का संकेत होता है। इस तरह से करेले का सपना दिखाई दे तो यह सपना एक अच्छा सपना नहीं होता है। अगर आपको सपने में करेले का पेड़ दिखाई दे तो यह किसी भी तरह से शुभ सपना नहीं होता है। यह सपना भी आपको किसी परेशानी में फंसने की ओर संकेत देता है। दोस्तों, यदि आप सपने में करेला तोड़ते हुए देखते हैं तो यह आपके लिए एक शुभ सपना है और यह सपना इस बात की ओर इशारा करता है कि आपकी परेशानी खत्म होने वाली है। दोस्तों, अगर आपने करेले के शुभ सपने देखे हैं तो आपको इन सपनों को किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर अगर आपने करेले का अशुभ सपना देखा है तो आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हो सके इस सपने को बताएं। साथ ही साथ आप गायत्री मंत्र का जाप करें एवं शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। दोस्तों, अगर आप यह सपना रात के 12 से 2 बजे के बीच में देखते हैं तो इस सपने का फल आपको 3 महीने के भीतर प्राप्त होगा। यही सपना आप 2 से 4 बजे के बीच में देखेंगे तो इस सपने का फल आपको 1 महीने के भीतर प्राप्त होगा। सपना अगर आप 4 से 6 बजे के बीच में देखेंगे दर्शकों तो इस सपने का फल आपको 1 हफ्ते के भीतर ही प्राप्त हो जाएगा। कुल मिला के देखा जाए तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस प्रकार का सपना देखा है। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें एवं हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। राधे राधे दर्शकों, आप सभी का मंगल हो। आप सभी सदैव ही हंसते रहें और मुस्कुराते रहें।